नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों, आप मध्य प्रदेश की एक और नई अपडेट लेकर आपके सामने आ चुके हैं। ये अपडेट है लोक शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा समस्त जिले के लिए ये आदेश जारी किया गया है। दोस्तों, तो चलिए जान लेते हैं क्या है आदेश, क्या है जानकारी होने वाली है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, क्या है लोक शिक्षा संचालनालय द्वारा निकला हुआ आदेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आदेश निकला है 26/11/2024 को। GFMS पोर्टल पर पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को रिलीव करने विषयक, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हम और जानकारी आपको देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, शालाओं में रिक्त पदों के विरुद्ध शैक्षणिक समस्या है तो अतिथि शिक्षक आमंत्रित किया गया है। वर्तमान में नवीन भर्ती से शिक्षकों की पदस्थापना की गई है तथा उच्च पद प्रभार से भी शिक्षक पदस्थ किए गए हैं। अतः स्वीकृत पद के विरुद्ध रिक्त पद उपलब्ध न होने पर संबंधित विषय में कार्यरत अतिथि शिक्षक को रिलीव किया जाना है। इस संबंध में एक ही विषय में एक या अधिक अतिथि शिक्षक कार्यरत है, अगर एक विषय में एक से अधिक शिक्षक कार्यरत है तथा रिक्त पद एक ही है तो अतिथि शिक्षक को रिलीव करने हेतु निम्न कार्रवाई की जाएगी। जैसे एक स्कूल में एक विषय है और उसके दो टीचर आ गए, ठीक है, जैसे गणित के दो टीचर आ गए या मैथ साइंस के दो टीचर आ गए, तो जिसमें से एक सरकारी रहेगा एक अतिथि रहेगा, तो अतिथि शिक्षक को हटा दिया जाएगा, ये आदेश उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि क्या क्या कार्रवाई होगी। यदि एक ही विषय के दो अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं तथा दोनों विषय वर्ग भी कार्यरत थे, वर्तमान स्कोर कार्ड के आधार पर जिनके स्कोर कार्ड में कम अंक हैं उसे हटा दिया जाएगा। जैसे एक विषय के दो अतिथि शिक्षक आ गए वहां पर, तो उस अतिथि शिक्षक को हटाया जाएगा जिनके स्कोर कार्ड में कम अंक है, ठीक है। एक ही विषय के दो अतिथि शिक्षक कार्यरत है तथा एक विषय विगत वर्ष से तथा एक इस वर्ष में कार्यरत है तो इस वर्ष से कार्यरत को हटा दिया जाएगा। जैसे दो शिक्षक फिर है, जैसे साइंस के दो शिक्षक है और एक पिछले साल से कार्य कर रहा है 2024-25 से और एक 25-26 इसी वर्ष लगा है, तो 2024-25 वाले को रख लिया जाएगा और 2025-26 वाले को हटा दिया जाएगा। यदि एक ही विषय के दो अतिथि शिक्षक कार्यरत थे तथा दोनों इसी वर्ष से कार्यरत थे तो स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में कम अंक वाले को अतिथि को हटा दिया जाएगा। अब ऐसी भी समस्या आती है कि दोनों अतिथि शिक्षक इसी बार आए हों, ठीक है, 2025-26 में आए हों, तो ऐसे अतिथि शिक्षक को उसमें से हटाया जाएगा जिसके स्कोर कार्ड में कम अंक है, ठीक है, ज्यादा अंक वाले को रख लिया जाएगा और जिसके कम अंक है उसे हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों, मेरिट सूची के आधार पर आयुक्त द्वारा अनुमोदित है अपर संचालनालय लोक शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल 26/11/2024 को यह आदेश जारी हुआ था समस्त शिक्षक को। अगर ये वीडियो आपके काम का नहीं है तो जरूर उन अतिथि शिक्षक को शेयर कीजिए जिन्हें अभी तक ये पता नहीं है। दोस्तों, जरूर आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।